कर्नाटक कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात कही, जिसके बाद मध्य प्रदेश में भी अब सियासी बवाल मचा हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज सुबह आपने पत्र भी लिखा कमलनाथ जी को, उसके बाद मगर प्रतिक्रिया भी आई है। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति जो ऐसे संगठन जो भी बात करते हैं। कमलनाथ जी की पूरी राजनीति और कांग्रेस की पूरी राजनीति झूठ पे आधारित हो गई है। वो एक हाथ बता दें सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा है बजरंग दल घृणा फैलाता है, नफरत फैलाता है, वो खुद बता दें। वो तो केंद्रीय मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, कि कब बजरंग दल ने घृणा फैलाई। अरे राष्ट्रभक्तों की संगठन की तुलना आप पीएफआई से कर रहे हो, निंदा की बात है। पीएफआई के बारे में कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट से लेके आम जनता तक जानती है कि आखिर ये क्यों घृणा फैलाते हैं और कैसे सांप्रदायिकता फैलती है। मुद्दों पर कांग्रेस राजनीति नहीं करती, तुष्टीकरण की राजनीति करके वो एक वर्ग के वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं और इसलिए जान पूछ के चुनाव पे ऐसा करते हैं जहां जहां पे उनकी आबादी है। मध्य प्रदेश में आएंगे तो मंदिर मंदिर जाएंगे और कर्नाटक जाएंगे तो बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाएंगे। मैंने कमलनाथ जी को पत्र इसलिए लिखा है कि स्थिति स्पष्ट करो या सिद्ध करो कि कहां पर बजरंग दल ने घृणा फैलाई। न तो ये सिद्ध करेंगे, ये दोहरी चाल है, दोनों नावों पे हाथ टेक कर चलती हैं। ये दो मुही राजनीति है जो नहीं करना चाहिए, जनता इन राजनीति को अब समझती है। दिग्विजय सिंह ने भी आज सुबह ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि सन 2000 में उन्होंने, दिग्विजय सिंह का चरित्र स्पष्ट है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। कमलनाथ जी को अपना जो बड़े बड़े वो ओढ़ के चदरे ओढ़ के और पीसीसी कार्यालय पे हनुमान चालीसा का पाठ करा के बड़े बड़े स्थानों पे जाके मूर्ति बनवा के भगवा कार्यालय को उड़वा के जो एक स्वांग करते हैं, वो उनके साथ हैं या खिलाफ है। यहाँ पर सर जब उनसे मैनिफेस्टो को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने मना भी नहीं किया कि हम इसे बैन नहीं करेंगे। वहां भी नहीं कर सकते, ये स्थिति कांग्रेस की है, इसको जनता देख रही है। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जो दावे से बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कब ऐसा कहा है कि बजरंग दल पर कार्रवाई होनी चाहिए, कांग्रेस को इसे स्पष्ट करना चाहिए। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9। के आखिर क्यों घृणा फैलाते हैं और कैसे सांप्रदायिकता फैलती है। मुद्दों पर कांग्रेस राजनीति नहीं करती, तुष्टीकरण की राजनीति करके वो एक वर्ग के वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं कि कहां पर बजरंग दल ने घृणा फैलाई। न तो ये सिद्ध करेंगे, ये दोहरी चाल है, दोनों नावों पे हाथ टेक कर चलती है। ये दो मुही राजनीति है जो नहीं करना चाहिए, जनता इन राजनीति को अब समझती है।